2024 में वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है? इस कीवर्ड को सर्च करते ही आपके सामने एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप अपने फेसबुक पेज के लिए वीडियो अपलोड करने का सही तरीका सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी वीडियो आएंगी। उनमें कुछ वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप अपने क्रोम ब्राउजर से वीडियो को अपलोड करो, तब जाके आपकी वीडियो वायरल होगी। और किसी वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने बिजनेस स्वीट एप्लीकेशन में जाइए और वहाँ से आप अपने वीडियो को अपलोड करिए, तब जाके आपकी वीडियो वायरल होगी। और किसी वीडियो में आपको ये सिखाया जाएगा कि आप अपने फेसबुक एप्लीकेशन पर जाके वीडियो को अपलोड करो, तब जाके आपकी वीडियो वायरल होगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर हो जाओगे कन्फ्यूज कि आपको एक्चुअली में अपलोड करना कहाँ से। तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको वीडियो अपलोड करना कहाँ से। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल देके बात को समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप उस कंपनी में काम करने का जो तरीका होता है वो आप किससे पूछने जाएंगे? उसी कंपनी में पूछेंगे ना। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में काम करने का तरीका भी उसी कंपनी में पता चलेगा, ना कि दूसरी कंपनी में जाके आपको पता चलेगा। तो इसी तरह से दोस्तों, आपको अगर अपने फेसबुक पे वीडियो अपलोड करना है या फिर अपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आपको अपने फेसबुक पे ही वीडियो को अपलोड करना है और अपने यूट्यूब पे ही वीडियो को अपलोड करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको फेसबुक पेज पे वीडियो कैसे अपलोड करना है और वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहे, मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपने फेसबुक पेज पे वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और आपको कहां से वीडियो अपलोड करना है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपका यहाँ पर प्रोफाइल ओपन हो जाता है। प्रोफाइल ओपन होने के बाद दोस्तों, आप क्या करते हो, आप यहीं से अपना वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि दोस्तों, आप यहां पे अपना वीडियो अपलोड करने के लिए यहां पे क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद यहां पे आपका गैलरी ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहां से आप अपना वीडियो सर्च करते हो और उसके बाद आप क्या करते हो कि आप यहां पे वीडियो को क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद यहां पे आप पोस्ट कर देते हो और यहां से पब्लिक करके उसके बाद सेव कर देते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आपको वीडियो को अपलोड नहीं करना है, ये गलत तरीका है। इस तरह से आपको बिल्कुल वीडियो को अपलोड नहीं करना है। तो एक तरीका तो ये हो गया दोस्तों, जो आप गलत तरीके से वीडियो को अपलोड करते हो। दूसरा भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप वो भी किस तरह से गलत वीडियो अपलोड करते हो। तो आप यहाँ पे प्लस वाले निशान पे क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आप यहां से पोस्ट कर देते हो। इस तरह से दोस्तों, आपको वीडियो अपलोड नहीं करना है। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो क्या करना है कि आपको अपने पेज पे जाना है। पेज पे जाने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहां पे अपने पेज को ओपन कर लेना है, अपना जो फेसबुक पेज है उसको ओपन कर लेना है। तो यहां पे मैं पहले क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पे मेरा पेज ओपन हो चुका है। अब यहां से आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे अपने फेसबुक पेज को स्विच कर लेता हूं। स्विच पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका यहां पे फेसबुक पेज जो है स्विच हो चुका है। अब यहां पे आपका फेसबुक पेज ओपन हो चुका है। अब यहीं से दोस्तों, आपको अपने वीडियो को अपलोड करना है। इसके अलावा आपको कहीं से भी वीडियो अपलोड नहीं करना है। तो कैसे अपलोड करना है दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सही से समझाने वाला हूं। फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले काम आपको जो करना है वो आपको क्या करना है कि आपको अपने फेसबुक पेज को स्विच कर लेना है, ठीक है। फेसबुक पेज को स्विच करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाले निशान पे क्लिक करना है। प्लस वाला निशान अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों चार ऑप्शन मिलेंगे। पहला स्टोरी अपलोड करने का, उसके बाद रील्स अपलोड करने का, उसके बाद आपको मिलेगा तीसरा ऑप्शन लाइव का, और उसके बाद आपको यहाँ पे चौथा मिल जाएगा अपलोड वीडियो, ठीक है। इसी ऑप्शन पे दोस्तों आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका गैलरी ओपन हो रहा है। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस वीडियो को आप अपलोड करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलेगा टाइटल का। यहाँ पे आपको पहले टाइटल लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, जो आप अपने वीडियो में टाइटल देना चाहते हो आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइटल दे देना है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ। जो भी मेरा टाइटल है उसको मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा टाइटल यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करना है कि आपको इस पूरे टाइटल को कॉपी करना है। तो पहले पूरे टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन, तो आपको वहीं पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, आपको इसी डिस्क्रिप्शन में इस टाइटल को भी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि आपको थंबनेल लगाना है। तो दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसी वीडियो के किसी पार्ट को थंबनेल पर सेट कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। इससे आपका क्या होगा कि आपका वीडियो वायरल होने का जो संभावना रहता है वो कम हो जाता है, वीडियो वायरल होने का चांस कम हो जाता है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपका वीडियो वायरल हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको थंबनेल पहले से बना के रखना है। बना के रखने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके गैलरी को ओपन कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपने थंबनेल को सर्च कर लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे पहले थंबनेल को सर्च कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप अपने वीडियो पर थंबनेल बनाकर लगाते हैं तो आपका वीडियो वायरल होने का चांस बढ़ जाता है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको पहले वाले को पब्लिक पे रहने देना है, सेकंड वाले को पब्लिक पे रहने देना है, थर्ड वाले को आपको पोस्ट नाउ पे रहने देना है, और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोई और सेटिंग करना ही होता तो दोस्तों आपको यहाँ पे उसका ऑप्शन ज़रूर मिलता। तो दोस्तों यही सही तरीका है फेसबुक पेज पे वीडियो अपलोड करने का। बहकावे में ना आए, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएं, थंबनेल अच्छे से बनाएं, उसके बाद उसमें लगाएं, टाइटल अच्छा लिख के दें, डिस्क्रिप्शन में उसको कॉपी पेस्ट करें, और उसके बाद वीडियो को पब्लिश कर दें। जो टाइम दोस्तों आप देते हो वीडियो को अपलोड करने का तरीका सीखने में, उसी टाइम को दोस्तों आप अपने वीडियो को बेहतर बनाने में लगाएं, और उसी टाइम को दोस्तों थंबनेल बेहतर बनाने के लिए सीखने में लगाएं और वीडियो को अपलोड कर दें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको वीडियो को अपलोड कैसे करना है और कहां से आपको अपने वीडियो को अपलोड करना है। लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर आपके कंटेंट में दम है, आपने वीडियो को बहुत अच्छा बनाया है, तो आप उसको कहीं भी जाके अपलोड करो, चाहे अपने फेसबुक एप्लीकेशन पे जाके अपलोड करो, चाहे क्रोम ब्राउजर में जाके अपलोड करो, या फिर बिजनेस स्वीट में जाके अपलोड करो, तो आपका वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आपने दोस्तों वीडियो अच्छा नहीं बनाया है तो आप कहीं से भी जाके अपलोड कर लो, आपका वीडियो वायरल नहीं हो सकता है। उसी तरह से दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आपको थंबनेल जरूर लगाना है बना के। आप वीडियो में से कहीं से भी उसको थंबनेल को कट करके नहीं लगाना है आपको। आपको थंबनेल बकायदा पिक्सल लैब से जाके बना के लगाना है। अगर आपको नहीं पता है पिक्सल लैब से थंबनेल कैसे बनाया जाता है, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप क्लिक करके वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि कैसे पिक्सल लैब से थंबनेल बनाया जाता है। लास्ट में दोस्तों आपको एक मशवरा दूंगा, आप चाहे तो ले भी सकते हैं और चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों मशवरा ये है कि आप उन लोगों का वीडियो बिल्कुल ना देखें जो अपना सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए, अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपका टाइम खराब करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ उन्हीं का वीडियो देखना है जो आपको शॉर्टली बात समझा देते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।